हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा सिलेबस और इसका जो सब्जेक्ट कोड क्या है वो है BME 402। इसके पहले जो दोस्तों इसका सब्जेक्ट कोड था वो था KME 402। ये दोस्तों आपका लेटेस्ट सिलेबस है BME 402 और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे अभी क्या किया हुआ है, जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने यूनिट वन डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। बात करते हैं कि यूनिट टू पे क्या क्या हमारा सिलेबस है और हम क्या क्या पार्ट वन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ, देखते हैं हमारा क्या क्या सिलेबस है। पहले तो यहाँ पे दो तरीके से दो पार्ट में कंबाइन किया गया है। पहला हमारा क्या है, सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। तो जो सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन क्या होता है, कर्व क्या है उसका, एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं, वैल्यूम किस तरीके से निकालते हैं एंड कंपोजिट बॉडीज हमारी किस तरीके से, न्यूमेरिकल हमारे किस तरीके से पूछे जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे प्लेन एरिया, पैरेलैक्सिस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया हमारा सेंट्रोइड का। यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन थ्योरी का पोर्शन होगा। फिर बात करेंगे कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन सेक्शन, स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, स्ट्रेन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या होती है, मोर सर्किल हमारा क्या होता है प्लेन स्ट्रेस से, थ्योरी ऑफ द फेलियर, स्ट्रेन एनर्जी, इंपैक्ट ऑफ द लोड एंड स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस। तो ये हमारा क्या है पूरा सिलेबस है यूनिट टू का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन सेंट्रोइड को, कि सेंट्रोइड हमारा क्या होता है इसके पहले ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है। बात करते हैं उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेंट्रोइड को कैसे फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है कि डिराइव द कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रोइड एक लाइन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन के लिए। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि एक लाइन के लिए गया है कि स्ट्रेट लाइन के लिए गया है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्टली कि अगर हमारा सेंट्रोइड फाइंड करना है ए लाइन के लिए तो क्या होगा, आइए देखते हैं दोनों। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां मैं डिस्कस करता हूं। मैंने क्या किया, एक लाइन लिया, एक लाइन का मतलब एक मैंने वायर कंसिडर कर लिया। ये मैंने क्या किया, एक वायर कंसिडर कर लिया। अब ये मैंने वायर कंसिडर किया तो मैंने इसको एक्स और वाई एक्सिस में रख दिया। ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? मैंने मान लिया जो हमारी वायर है जो मैंने कंसिडर किया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा। मैंने मान लिया जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना ए मान लिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका ए है और कुछ इसकी लेंथ होगी। मैंने मान लिया इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है वह कितनी एल है। डेंसिटी होगी कुछ इसकी, जो इसकी डेंसिटी है वो कितनी है रो है। ओके, यहां तक मैंने क्या किया इसको कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है कि इसका सेंट्रोइड कहां लाइज करेगा। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारी टोटल लेंथ है, अभी इसको हाफ लेंथ में मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। सपोज दैट इसके मिडिल पे मैंने कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट को जो हमारी इनफाइनाइट लेंथ है उस पॉइंट पे मैंने मान लिया इसकी जो लेंथ है, यहाँ छोटा सा एलिमेंट जो कंसिडर किया है वो हमारा कितना है डीएल है। ओके, जब डीएल है तो इसको मैंने पॉइंट कंसिडर किया यहां से मैंने मान लिया और ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा डिनोट कर रहा है एक्स के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जहां मैंने डीएल को कंसिडर किया है, इस पॉइंट पे अगर इसका हम वेट को फाइंड करें, वेट को फाइंड करें तो हमारा वेट कितना है डीडब्ल्यू निकलेगा, क्योंकि हम डीएल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डीडब्ल्यू की बात करें तो हमारा वेट कितना निकलेगा, रो ए जी इंटू डीएल होता है, तो डीएल और ये हमारा हो जाएगा जी। ओके, अब देखो अगर इसका ये वेट हमारा कितना है डीएल के लिए, हमें पूरे का वेट फाइंड करना है, क्या करें इंटीग्रेट करेंगे। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा रो ए जी और एल। यानी हमारा वेट देखें, इस एलिमेंट का वेट हमें कितना फाइंड हो गया ए लाइन का, आगे हमें डब्ल्यू इक्वल टू रो ए जी और एल।
ये हमारा वेट आ गया। अब हमें क्या करना है, मोमेंट को फाइंड करना है। मोमेंट को तो मैंने मान लिया, जो हमारा फर्स्ट मोमेंट होगा, फर्स्ट मोमेंट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मोमेंट हमने फाइंड किया तो तुम्हारा फर्स्ट मोमेंट निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, रो। हमें पता है क्योंकि रो ए जी और हमारा कितना है डीएल है, हम किसकी अबाउट बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट। हमारा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां एक्स एक्सिस अबाउट मोमेंट, ठीक है। तुम्हारा वाई हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट हमारा, यानी इतना निकल के आ गया। तो अगर यहां पर सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना है। क्या लगाना है हमें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की क्या कंडीशन है, इसमें क्या है, जो बड़ा हमें क्या करना है, इसी को फाइंड करना है, मिडिल की कंडीशन हमारी कितनी एग्जिट करेगी। और ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू के टर्म में हम बात कर रहे हैं। और ये हमारा इंटीग्रेशन रो ए जी, और हमने जो फाइंड किया है डीएल इंटू वाई, फर्स्ट एक्सिस मोमेंट को, ओके। अब देखो क्या करना है हमें, ये वाई डैश है, ये वाई डैश हमने, अब डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कितना रो ए जी और एल, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, रो ए जी डी एल इंटू वाई। अब देखो, अब इसमें ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, रो ए जी रो ए जी रो ए जी, ये हमारे क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तुम अगर वाई बार को फाइंड करें, यहां से वाई बार को फाइंड करें, तुम्हारा ये कितना निकल जाएगा, वाई डी एल डी एल इंटू वाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अगर हम देखें एक्स एक्सिस के अबाउट, हमारा वाई बार जो फाइंड होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई इंटीग्रेशन वाई डी एल अपन एल, ये हमारा हो जाएगा। अगर सेम सिमिलरली हमारा जो एक्स के लिए फाइंड होगा, एक्स बार के लिए, वह हमारा हो जाएगा एक्स डी एल अपान एल। तो हम अगर हमें न्यूमेरिकल में या फिर ऐसे ही हमारा पूछा जाता है कि हमारा कोई भी स्ट्रेट ए लाइन हमारा दिया हुआ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, डिराइव जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर सेंट्रोइड हमें फाइंड करना था ना, तो कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा। तो इस तरीके से हम दोस्तों फाइंड कर सकते हैं कि हमारा उसका सेंट्रोइड क्या होगा और उसका कोऑर्डिनेट हमारा कैसे एग्जिट करेगा, कैसे एग्जिट करेगा, एक्स डी एल इंटीग्रेशन एक्स डी एल अपान एल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कि अगर हमारी स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसका हम जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड है कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया, ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है अबाउट एक्स एक्सिस है, तो मैंने इसको एक्स दे दिया, और हमारी ये वाई है, तो मैंने इसको क्या किया है, y एक्सिस दे दिया, दिस इज द y, ओके। ये लेंथ हमारी कितनी है, इसकी मैंने लेंथ मान ली l है, जो स्ट्रेट लाइन मैंने कंसीडर किया है इसकी लेंथ क्या है, l है, ओके। अब देखो इसमें मैं क्या, पूरी लेंथ को एक साथ हम फाइंड कर नहीं सकते, मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया डी एक्स, वो भी इस ओरिजिन से दूरी कितनी पे, x पे, ठीक है। ये x दूरी पे मैंने डी एक्स कंसिडर किया, कर दी, इतनी चीजें कर दी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम डायरेक्ट यहां से फर्स्ट मोमेंट ऑफ हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमारी एल निकल गया है, तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट मोमेंट की, फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस के, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस से बात करेंगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा डी एम वाई, एम वाई से कितना हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, एम वाई हो जाएगा, और हमारा जो एक्स है, जो हमारा एक्स है वो कितना हो जाएगा, ये पर इंटीग्रेशन बता देता हूँ कि कहां से कहां तक होगा। ये हमारा क्या ओरिजिन है, ये हमारा लेंथ कितनी टोटल एल है, तो हम कह सकते हैं ना जीरो टू एल होगा, और ये हमारा कितना होगा एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, और ये एल हमारी लिमिट है, तो हम लिख सकते हैं ना एल स्क्वायर अपॉन टू, यानी एम वाई हमें इतना फाइंड हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट को सेंट्रोइड को फाइंड करना है, तुम्हारा क्या होगा एक्स का कितना हो जाएगा, एम वाई, एम वाई अपान एल, ये तो होगा, तो मैंने क्या किया एम वाई अपान एल, ओके। अब देखो ये एम वाई एल स्क्वायर अपान टू हमने फाइंड किया है, और ये एल है, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा एल अपान टू आ जाएगा। मतलब इसका समझे कि जो हमारा सेंट्रोइड लाइज करेगा ना, वो एल अपान टू दूरी पे, पूरी दूरी की आधी दूरी पे लाइज करेगा, इसका जो सेंट्रोइड लाइज करेगा, ठीक है। अब एक चीज और समझने की बात है, जब ये हमारा क्या है,
अबाउट वाई एक्सिस है, तो जो हमारा वाई बार होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे एक लाइन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन के लिए। तो थाइंक करते हैं सेंट्रोइड या फिर रेक्टेंगल के बारे में कि कैसे फाइंड करेंगे हमारा कहां लाइज करेगा जो हमारा सेंट्रोइड होगा इन रेक्टेंगल केस में। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं। ये लो मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रा किया, ये मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे है और ये हमारा क्या वाई एक्सिस है, ठीक है। इसकी विड्थ को मैंने मान लिया बी है, ये हमारी क्या होगी बी है, और इसका जो हाइट है वो मैंने मान लिया एच है, ठीक है। यहां तक ये मैंने कंसिडर कर लिया, ओके। इसको फाइंड करने के लिए मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर किया, जो मैंने स्ट्रिप कंसिडर किया वह कितना है डी वाई है, वो भी कितनी डिस्टेंस पे है, इसकी वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस पे मैंने स्ट्रिप कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में क्या करते हैं, स्ट्रिप का एरिया फाइंड करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले स्ट्रिप के एरिया के बारे में कि हमारा स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो एरिया स्ट्रिप का कितना हो जाएगा, डी ए इक्वल टू बी इंटू डी वाई, यही हमारा एरिया निकल के आएगा, ठीक है। बी और डी वाई ये हमारा होगा एरिया। अगर हमें पूरे को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एच एंड बी डी वाई, ठीक है। तो हम क्या है, जो एरिया हमारा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, बी वन के लिए एच होता है, यानी एरिया हमारा जो फाइंड होगा वह कितना फाइंड होगा, बी इंटू एच हो जाएगा। ये हमारा क्या अपना एरिया हमारा फाइंड हो गया बी इंटू एच, ओके। अब हम क्या करते हैं, किसी एक मोमेंट के अबाउट क्या करते हैं, फर्स्ट मोमेंट लेते हैं। मैंने मान लिया डी एम एक्स स्ट्रिप के लिए, मैंने एक्स के लिए लिया, तो कितना हो जाएगा वाई इंटू डी ए, ओके वाई इंटू डी ए, क्योंकि वाई हमारा ये है और एरिया हमने डी ए माना है तो डी ए हो जाएगा, ठीक है एम एक्स के लिए। तब वाई और डी ए हमारा कितना है बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई, ये हमारा क्या था डी एम एक्स था। अब हमको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट किए तो जीरो टू एच होगा, और ये हमारा कितना होगा वाई बी एंड डी वाई। बी हमारा क्या कॉन्स्टेंट है, बी हमारा कॉन्स्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में, तो यह वाई स्क्वायर अपॉन टू और ये हो जाएगा जीरो टू एच, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं वाई और ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन टू, यानी जो एम एक्स का वैल्यू हमारा फाइंड हुआ वह कितना हुआ बी एच स्क्वायर अपॉन टू, ओके ये में एम एक्स मिल गया। हमें चाहिए क्या, सेंट्रोइड चाहिए। तो अगर हम एम एक्स को हमने फाइंड कर लिया है तो वाई डैश हमारा अब यहां से निकल आएगा, क्या होता है क्योंकि फॉर्मूला एम एक्स अपॉन ए। अब एम एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गया है बी एच स्क्वायर अपॉन टू, और एरिया हमें कितना बी इंटू एच, आपको दिख रहा होगा थोड़ा दोस्तों, थोड़ा स्केच डार्क था जो हल्का हो गया है, तो बी और एच से एच हो गया, यानी जो हमारा वाई डैश है ना वो कितना हो गया एच अपॉन टू हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रोइड लाइज करेगा वो हाफ डिस्टेंस पे लाइज करेगा एच के सेंट्रोइड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अगर सपोज दैट कि हमने वाई डैश फाइंड किया, अगर हमें एक्स डैश को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको इसके हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है इसको वर्टिकल सेक्शन में फाइंड करेंगे, सेम थिंग ऐसे ही फाइंड करेंगे, तुम्हारा जो एक्स डैश आएगा ना वो बी अपॉन टू आएगा, यानी एक्स जो हमारा बार है वो कितना बी अपॉन टू आएगा, यानी और हमारा जो वाई बार है या वो डैश हम कह सकते हैं एच अपॉन टू होगा, ठीक है। तो एक चीज और समझ में आती है, जो सेंट्रोइड है ना वो भी हमारे क्या एक डायगोनल पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोस्तों इसकी मेन थ्योरी होती है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा एग्जाम पूछा जाता है कि सेंट्रोइड अब बताओ इन रेक्टेंगल केस में, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। सेंट्रोइड के बारे में जो हमारा सेंट्रोइड का आज क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सो दैट सेंट्रोइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट बी अपॉन थ्री एच अपॉन थ्री वेयर बी एंड एच आर द बेस, बी एंड द बेस, और एच हमारा क्या हाइट ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब हमें कह रहा है कि हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारी कंडीशन दी है, तो हमें दिखाना है कि बी अपॉन थ्री और एच अपॉन थ्री पे हमारा जो सेंट्रोइड है वो लाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसके पहले भी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले मैंने बताया हुआ है कि सेंट्रोइड क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बात करेंगे हम यहाँ सेंट्रोइड या फिर राइट ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो देखते हैं कैसे इसे हम प्रूव करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसकी तरफ हम चलते हैं। मैंने क्या किया एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ले गया।
मैंने मान लिया ये हमारा बी है, बेस है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, और ये हमारी क्या हाइट है, ठीक है, ये हमारा क्या हाइट है, ओके ये हाइट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप कंसिडर किया, जो मैंने स्ट्रिप लिया हुआ है इसका, ये स्ट्रिप मैंने मान लिया कितना है, डी वाई है, दिस इज डी वाई, और जो दूरी पे लिया हुआ है वो कितनी दूरी पे लिया हुआ है, जो हमारा बेस है, दिस इज बेस, इसको वाई डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा बी है, तो ये जो इसका बेस जो हमारा स्ट्रिप का है उसको मैंने मान लिया बी डैश है, ओके। अब देखो ये हमारी वाई है, ये हमारी एच है, अगर हम इस लेंथ को फाइंड करें, इसको और इसको, तुम्हारी कितनी हो जाएगी, एच माइनस वाई हो जाएगी, ये हमारे एच और ये वाई हो गई। मैंने मान लिया दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज ई, डी इसको मैंने कंसिडर किया और इसको मैंने ई कंसिडर किया, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो मैंने कंसिडर किया वो मैंने बता दिया आपको। अब ये हमारा क्या एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है, ओके। अब हम सॉल्व करें, अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया की बात करें, जो हमारा स्ट्रिप हमने कंसिडर किया हुआ है, इसका हम एरिया की बात करें, तुम्हारा कितना होगा, डी ए इक्वल टू बी डैश इंटू डी वाई, यही होगा, बी डैश इंटू डी वाई एरिया हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इस हमें मैंने बी डैश का वैल्यू नहीं पता है ना, बी डैश का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां सिमिलरली ट्रायंगल का आपने रूल पढ़ा होगा, जैसे हमारा सिमिलरली ट्रायंगल हमारे कौन कौन से, यहां ए बी सी है, ए बी सी है, और एक हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी और ई बन रहा है, ए बी और ई, ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल से, क्या सिमिलरली ट्रायंगल से, ठीक है, ट्रायंगल रूल से। अब देखो अगर इसको हम कंपेयर करें सिमिलरली ट्रायंगल से, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा दिया हुआ बी डैश इक्वल टू बी डैश अपॉन एच माइनस वाई होगा, और इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, बी अपॉन एच के, कंपेयर कर दिया है, क्योंकि बी है ये एच वाई है, ये हमारा बी है और ये टोटल एच है, यहां से हम बी डैश का वैल्यू निकालेंगे, तो बी से बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये कितना है हमारा एच माइनस वाई, ओके, ये हमारी बी डैश का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। इस बी डैश को हमने यहां पुट कर दिया, तो हमारा जो डी ए है वो हमारा कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच और एच माइनस वाई इंटू डी एंड वाई, ये हमारा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं डीए की। अगर हम टोटल को फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये हमारा लिमिट कितनी, जीरो टू एच एग्जिट करेगी, क्योंकि एच हमारी पूरी हाइट है, हमने मान लिया रिस्पेक्ट पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये हो जाएगा एच माइनस वाई इंटू डी वाई, बी और अब एच हमारा क्या एक्चुअली कॉन्स्टेंट है, मैंने कह लिया बी अपॉन एच मैंने बाहर लिख लिया, और ये हमारा कितना होगा, जीरो टू एच एंड एच माइनस वाई एंड डी वाई, ओके। इसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं, तो बी अपॉन एच ये कितना हो जाएगा, एच इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट हम पुट करेंगे यहां, तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच आएगा, ओके, देखो आपको अब दिख रहा होगा, ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये एच यहां पुट होगा, यानी एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन टू। इसको हमने सॉल्व किया तो बी अपॉन एच इक्वल बी अपॉन एच, और ये हमारा कितना आ जाएगा, टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू, तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन टू, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी एच अपॉन टू, यानी जो हमारा एरिया फाइंड हुआ ना वो कितना हुआ, बी एच अपॉन टू हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट मोमेंट कंसिडर करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस के, तो यहां से फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट मोमेंट कंसिडर किया, फर्स्ट मोमेंट, मोमेंट जो हमारा स्ट्रिप का है, फर्स्ट मोमेंट स्ट्रिप लिख देता हूं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, ओके, तो हमारा एम एक्स यानी एक्स एक्सिस के अबाउट लिए, तो एम एक्स हो जाएगा, और हमारा कितना, जीरो टू एच है, वाई इंटू डी वाई, स्ट्रिप का कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट हमने वाई कंसिडर किया, वाई इंटू डी ए, ओके, तो वाई इंटू डी ए। अब हमें जो मेरा वाई है और हमें डी ए है, डी ए ऑलरेडी हमने भी निकाला ना, डी ए और वाई है, तो मैंने लिख दिया इसको जीरो टू एच वाई, और डी ए को मैंने लिख दिया बी अपान एच, और ये हमारा हो गया एच माइनस वाई एंड डी वाई। अब वाई के टर्म में आ गया ना, इंटीग्रेट भी हमारा हो जाएगा इजिली,
देखो ये बी अपान एच हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है एक तरीके से, बी एच, और ये हो जाएगा जीरो एट लिमिट हमारा जो दिया है ये इसका मल्टीपल किया वाई एच माइनस वाई स्क्वायर इक्वल अरे ब्रैकेट डिवाई। ओके अब देखो ये हमारा कितना बी अपान एच है, अब इसको हम वाई एच के टर्म है तो एच के टर्म में हमें इसको क्या करना है इंडिकेट करना है, तो एच हमारा हो जाएगा ये हमारा कितना वाई के टर्म है तो वाई स्क्वायर अपन टू हो जाएगा ये तो होगा, और ये हो जाएगा वाई क्यूब अपन थ्री ये होगा, और ये जीरो टू एच हो जाएगा। अब हम जब ये वाली लिमिट को यूज करेंगे तो हमारा कितना बचेगा बी एच बचेगा, और ये एच है तो एच, और ये एच स्क्वायर हो जाएगा यानी एच क्यूब अपन टू, और ये कितना हो जाएगा एच क्यूब अपन थ्री, ये हमें फाइंड होगा यहां से। अब ये जब फाइंड हो गया अगर इसको दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो यहां कितना निकल गया बी अपन एच इंटू एच क्यूब अपन सिक्स, एक एच से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ दो एच बचेगा यानी बी एच स्क्वायर अपन सिक्स, यानी कहने का मतलब एम एक्स भी हमारा फाइंड हो गया जो हमारा फर्स्ट मोमेंट था अबाउट इसके एक्स एक्सिस के। ओके यहां तक फाइंड होने के बाद अगर हम बात करें सेंट्रोइड वाई सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट की, क्या वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड की, ठीक है आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये थोड़ा हल्का चल रहा है, तो वाई डैश इक्वल टू में क्या ये वो ये रो वाई डैश इक्वल टू एम एक्स अपान वाई डैश के स्क्वायर एम एक्स अपान कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ये तो हमें फाइंड करना होता है वैल्यू में, तो वैल्यू के लिए एरिया तो एरिया के लिए, ठीक है। अब एम एक्स भी ऑलरेडी हमने फाइंड किया बी एच स्क्वायर अपान सिक्स, और एरिया कितना हमारा बी एच अपान टू, बी एच अपान टू, अब देखो दोनों को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा एच एच अपान थ्री आएगा, यही तो हमारा कह रहा है। अब सिमिलरली हमने एक्स डैश के लिए अगर हम फाइंड करेंगे एक्स डैश के लिए तो हम क्या करेंगे स्ट्रिक को चेंज करेंगे, हमारा तो एक्स डैश कितना हो जाएगा एम वाई हो जाएगा यहाँ एम वाई अपान ए हो जाएगा, और ये हमारा मिल जाएगा बी अपान थ्री, यानी यही तो हमें प्रूफ करना था बी अपान थ्री एच अपान थ्री, यानी कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रोइड लाइज कर रहा है वाई में और एक्स के डैश में वाई डैश एक्स में हमारा कितना फाइंड हो जाएगा एच अपान थ्री फाइंड हुआ और बी अपान थ्री फाइंड हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है 10 नंबर में तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। सपोज दैट मैंने एक सर्कुलर सेक्शन लिया दोस्तों, ऐसे ये हमारा क्या सर्कुलर सेक्शन है, अगर मैं बात करूं ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस है, और हमारा ये क्या है ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है। ओके अगर मैं एक शाफ्ट को ड्रा करता हूं इस तरीके से, ये मैंने एक शाफ्ट को ड्रा किया ऐसे कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो एक एक्सिस हमारा क्या है जेड एक्सिस भी होगा जो इसके क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मैंने मान लिया परपेंडिकुलर हमारा जो एक्सिस शो कर रहा है वो हमारा क्या है जेड एक्सिस है। ओके एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस जो दोनों क्या है पूरी तरीके से सेंटर से पास हो रहे हैं, और हमारा जो जेड एक्सिस है वो क्या है परपेंडिकुलर है इन दोनों एक्सिस के बीच में एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के बीच में। तो अगर आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को वीडियो नहीं देखा है जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, वह निकल के आता है आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, जो हमारा आई जेड जेड होता है आई जेड जेड इसको हम डिनोट यहां किससे करते हैं जे से करते हैं, तो ये हमारा जो आई जेड जेड है जो जेड है ना यही हमारा कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हो गई मैथमेटिकली थ्योरी थ्योरी की बात। ओके अब जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमें बताता क्या है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है कि जो भी हमारी बॉडी है वह कितना टॉर्क को रिसिस्ट कर सकती है। ओके कि हमारा टॉर्क है, हमने इस बॉडी पे क्या किया टॉर्क लगाया, जो हम टॉर्क लगा रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है इस जो शाफ्ट है कितना फोर्स इतना कितना टॉर्क को रिजिस्ट कर सकती है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है जो हमारा प्रॉपर्टी को दिखाता है यही हमारा कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके आपको समझ में आ गया होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके तो आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, जो हमारा आई जेड जेड इक्वल निकलता है यहां हम जेड से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके अब हम बात करते हैं आई एक्स एक्स दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस के बीच में, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है पाई डी की पावर 4 इंटू 64 सेम इक्वल टू आई वाई वाई आई वाई वाई आई पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। पुट दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन जे इक्वल टू
मैं अब जे लिख सकता हूं, दिस इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई डी की पावर 4 एंड 64 प्लस पाई डी की पावर 4 एंड 64। ओके, ये हम बात कर रहे हैं अभी सॉलिड सॉफ्ट के लिए। ये हमारा कितना है, सॉलिड सॉफ्ट के लिए है। ओके, सॉलिड सॉफ्ट के लिए है, तो जो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई डी की पावर 4 एंड 64। ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई डी की पावर 4 एंड 32। जे इक्वल टू यानी पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, दिस इज कॉल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और हमारी ये क्या प्रॉपर्टी को बताता है। ये तो हो गया सॉलिड सॉफ्ट के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में सॉलिड सॉफ्ट भी आ सकता है, हॉलो सॉफ्ट को भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम इसी में बात करूं हॉलो सॉफ्ट के लिए क्या होगा, हॉलो सॉफ्ट के लिए क्या होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम थिंग्स हमारा क्या होगा, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यहां क्या हो जाएगा, पाई 64, जो हमारा डी रहेगा, डी क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी एक हमारा ऐसा डायमीटर बनेगा इस तरीके से, और एक इसके ऊपर भी क्या है इस तरीके से हेलो सेक्शन है। ओके, तो इस कंडीशन में जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, पाई डी की पावर 4 डी 1 माइनस डी 2 की पावर 4, सेम थिंग पाई 64 एंड डी 1 की पावर 4 माइनस डी 2 की पावर 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 264 एंड पाई डी 1 की पावर 4 माइनस डी 2 की पावर 4। ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा पाई अपॉन 32 एंड डी 1 की पावर 4 माइनस डी 2 की पावर 4, दिस इज द जे फॉर हेलो सॉफ्ट के लिए। इस तरीके से दोस्तों हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस प्रॉपर्टी को दिखाता है और कैसे इसका डेरिवेशन आता है, और इसका सॉलिड के लिए क्या फॉर्मूला होगा और हेलो सॉफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होगा। थैंक। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे इसको प्रूव करेंगे और इसका हम यूज कहां करते हैं, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसकी डिफिनेशन को डिस्कस करता हूं। जैसा कि डिफिनेशन कह रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया विथ रेफरेंस टू एन एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू सेंट्रोइड ऑफ एरिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेंट्रोइड प्लस द प्रोडक्ट ऑफ सेम एरिया विथ स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। क्या करिए डिटेल से देखते हैं। सपोज दैट ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, मैंने इसको वाई एक्सिस कंसिडर किया और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ओके, एक मैंने कोई बॉडी कंसिडर किया जो इसका एरिया है वो है ए है, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंट्रॉइड है वो मैंने मान लिया इसका है क्या है, जी जी डैश। ओके, ये सेंट्रॉइड इसका क्या होगा, सी जी, जैसे कि हम डिनोट करते हैं सी जी। कितनी दूरी पे है एक्स एक्स पे, वो मैंने मान लिया एच है। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी फॉर्मूला बनता है वो क्या है, आई एक्स एक्स, ये क्या है, सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा, जैसे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया विथ रेफरेंस टू एन एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, ये हो गया, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, इज इक्वल टू द आई, क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जी जी से डिनोट किया मैंने, ये मैंने इसको जी, ये जी डैश से मैंने डिनोट कर दिया, प्लस एरिया कितना है ए, और जो इसकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, एक एक्सिस हमारा एक्स एक्स है और दूसरा क्या है, जी जी है, वो हो गया एच स्क्वायर। ये हमारा होता है दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये कैसे आया, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि जो जो चीजें मैंने डिनोट की है वो मैं लिख देता हूं। मैंने यहां ए मान लिया, जो हमारा ए है क्या है, सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस एरिया हो गया। ओके, और हमारा जो जी है वह क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द एरिया है, ये हमारा क्या है, सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ऑफ द एरिया। ओके, ऑफ द एरिया,
और जो हमारी जी और जी है, ये क्या है, जी और जी क्या है हमारा, ये हमारा एक्सिस से जो हमारा पास हो रहा है जी से, एंड पैरेलल एक्सिस टू है एक्स और एक्स के, तो हम लिख सकते हैं कि एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी एंड पैरेलल, और पैरेलल किसके है, पैरेलल टू एक्सिस एक्स एंड एक्स, एक्स एक्स के क्या है ये दोस्तों, पैरेलल है। एच हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हमारी जो आई जी जी है क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस जी एंड जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आइए देखते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया मैंने एज्यूम कर लिया, इसका मैंने मान लिया एरिया क्या ए है, और जो दूसरी मैंने एक एक्सिस माना, वो हमारा जो एक्सिस है वो है क्या, आर डिस्टेंस पे है। ओके, ये मैंने आर डिस्टेंस पे एक कंसिडर कर लिया, एज्यूम कर लिया जो हमारा पैरेलल है जी जी एक्सिस के। तो इस तरीके से हमारा जो आई एक्सिस निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट, वह कितना हो जाएगा ए, और एच प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, आर का होल स्क्वायर, क्योंकि एच है और ये आर है, ये एक्स एक्स के अबाउट निकला, तो कितना हो जाएगा ए और ये एच और प्लस आर। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे की बात करें, पूरे एरिया की बात करें, तो हम क्या कर लिख सकते हैं इसको, आई एक्स एक्स को सिग्मा ए और एच प्लस आर का होल स्क्वायर। अभी हम बात कर रहे हैं पूरे होल एरिया की, इसलिए मैंने सिग्मा का यूज कर दिया, समेशन का यूज किया। ये क्या हो जाएगा हमारा आई एक्स एक्स है, यहां से हम क्या निकलेंगे सिग्मा ए, अगर इसको हम ब्रेक करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एच आर। ओके, सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, फिर इसको अगेन सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर ये क्या है ए है, प्लस ए आर स्क्वायर टू एच सिग्मा ए आर। ओके, अब आगे देखो इस टर्म को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, एच है ये एरिया की बात हुई है, अब हम होल एरिया की बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इंटू ए, यानी कहले का मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए एच स्क्वायर, इस टर्म की मैं बात कर रहा हूं। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, हमने किसके लिए अबाउट लिया था जी और जी के, तो इसको इस टर्म क्या लिख सकते हैं आई जी एंड जी, और आई एंड जी और जी क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जी और जी के है। ठीक है, और ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बहुत हमारा क्या है स्मॉल है। इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला निकल गया आई एक्स एक्स, ये क्या हो गया हमारा ए एच स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आई जी और जी, यानी कहने का मतलब जो हमारा फाइनली पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला निकल के आया आई एक्स एक्स, ये क्या हमारा आई एक्स एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा सेंट्रोइड के थ्रू पास नहीं हो रहा, और ये हमारा क्या है एरिया है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है, और ये हो गया हमारा आई जी जी। अब यहां तक समझने के बाद अब इसको हम यूज कब करेंगे, देखो दोस्तों, अगर हमारी कोई भी बॉडी है, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, इसमें मैंने तीन होल किए ऐसे आपको समझाने के लिए, और मैंने इसको स्टैंड पे खड़ा किया, और इसकी सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी क्या है मिडिल से पास हो रही है, तो बॉडी क्या है इजिली घूम जाएगी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता होगी, सेंट्रोइड इसका पता होगा। सपोज दैट अगर ये बॉडी यहां से मूव करके इस होल को मैंने यहां सेट कर दिया ऐसे, फिर से ऐसे यहां से ये मैंने लगा दिया इस बॉडी को, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी क्या होगी, इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल मानना पड़ेगा ना आर, तो इस टर्म में जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड से ना पास हो के किसी और एक्सिस से पास हो, सपोज दैट ये है बॉडी और ये यहां से घूम रही है बॉडी, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इफ आई डिनोट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, एक्स एक्स हमारा क्या है एक्सिस है जो डिनोट कर रहा है हमारा शो कर रहा है एक्स एक्सिस को, एंड आई वाई वे हमारा शो कर रहा है वाई एक्सिस को। ओके, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आई एक्सिस एंड आई वाई वाई इन प्लेन ऑफ एरिया।
एक मिनट मैं इसको फिगर ड्रा करता हूं और इसमें समझाता हूं। ये मैंने एक फिगर ड्रा किया, ये मैंने मान लिया ये हमारा जेड है, ये हमारा क्या जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स है और हमारा ये क्या है एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। जेड हमारा क्या परपेंडिकुलर, इसलिए वाई को इस तरीके से शो कर दिया। मैंने मान लिया कोई हमारी एक लैमिनर बॉडी है, ओके। एक मैंने स्मॉल बॉडी कंसिडर किया, इस लैमिनर बॉडी का इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए, कहने का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तरीके से फाइंड कर ले कि हमारा क्या प्रूफ होगा, ओके। मैंने इसका एरिया मान लिया ए है, और स्मॉल जो हमारा पार्टिकल इसको मैंने मान लिया एरिया ए है। हम देखते क्या है, अगर ये डिस्टेंस देखें यहां से, ये क्या हमारी वाई है, इसको मैंने वाई वन कंसिडर कर लिया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है एक्स वन है, और इस जो हमारी यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी उसको मैंने मान लिया आर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखते हैं डिफिनेशन को, क्या कह रही है कि इफ आई एक्स 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 एंड वाई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसा कि परपेंडिकुलर है, इन द प्लेन ऑफ एरिया एंड आई जेड जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस जेड जेड और जेड परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, ओके। जो हमारा एक्सिस है आई जेड जेड वह इक्वल होगा आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई के, ये हमारा जेड एक्सिस का ये वाई है और हमारा ये एक्स एक्स है। ये हमारी थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, ओके। अब देखते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। जो भी यहां फिगर में ड्रा किया है वही डिफिनेशन में दोस्तों लिखा हुआ है, ओके। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन के बारे में। ये चीजें मैंने बता दी कि कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं देखूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ ए अबाउट एक्स एक्सिस का वो कितना होगा, ए वाई वन स्क्वायर, ये हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट एक्स एक्सिस का, ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए, जैसे कि एक्स एक्सिस है ए वाई वन का स्क्वायर, क्योंकि जो बॉडी है हमारी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ओके। अब वाई के अबाउट लेंगे तो ऐसे रोटेट करेगी। इसी तरह अगर हम आई एक्स एक्स को फाइंड करें तो क्या होता है, स्मॉल बॉडी है इसलिए मैं समेशन का यूज किया, हमें होल बॉडी का चाहिए वाई स्क्वायर, कहने का मतलब ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ टोटल का, ओके, टोटल एरिया ए का। सेम थिंग हम क्या करेंगे ए एक्स वन के लिए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई के लिए, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट वाई वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के तो वाई के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाए ए एक्स वन का वाई स्क्वायर। आई वाई वैसी तरह हमारा कितना आएगा, वह कितना होगा समेशन ए एक्स वन का स्क्वायर, ये हमारा क्या है टोटल बॉडी के लिए है, क्योंकि ए छोटे का था इसलिए समेशन लगाया, पूरे बॉडी का हमें चाहिए इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। हमारी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो हमारा आई एक्स एक्स है प्लस आई वाई मैंने प्लस किया, ये क्या हो जाएगा सिग्मा ए y1 के स्क्वायर प्लस समेशन x1 का स्क्वायर, दोनों से मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, ये हमारा शो कर रहा है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। हमें अब चाहिए क्या z की वैल्यू चाहिए। अगर हम देखें फ्रॉम फिगर से, अगर यहां से मैं r को फाइंड करना है r स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर के लिए, ये हमारी r स्क्वायर कितना हो जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, ये इसके परपेंडिकुलर, यहां से मैंने डिस्टेंस के r कंसिडर किया है,
अब ये एक्स वन स्क्वायर एंड वाई वन का स्क्वायर, ये हमारा क्या शो कर रहा है, जेड एक्सिस के लिए। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब ये आर के लिए शो कर रहा है तो सिग्मा ए और आर स्क्वायर सुविधा लिख सकते हैं, क्योंकि जो आर की वैल्यू हमारी आ रही है आर स्क्वायर के लिए वह क्या है, एक्स वन का स्क्वायर है प्लस वाई वन का स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको आर पुट कर दिया। तो इस तरीके से आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई सिग्मा ए आर स्क्वायर, यह हमारा जो आर आर स्क्वायर है यह किसके लिए, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है, इसको हम तो डिनोट कर सकते हैं आई जेड जेड। यानी कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल एरिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट है ये, जैसा कि फिगर में शो है। तो हमारा जो फॉर्मूला एटलीस्ट प्रूफ हो रहा है वो क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड, यही हमारी डिफिनेशन कह रही है। और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा वीडियो, कैसा हम डिफिनेशन क्या है और इसका डेरिवेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में कि कोई भी हमारा सेक्शन है वह रेक्टेंगल है या सर्कुलर है और कैसे हम कौन सी थ्योरम को यूज करेंगे। जैसा कि मैंने कंसीडर किया है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसकी हाइट को मैंने एच माना हुआ है और हमारी जो विड्थ है वो बी है और हमारे इसमें टू एक्सिस है, एक हमारा एक्स एक्स है और एक वाई वाई है। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। एक मैंने क्या किया हुआ है, एज्यूम किया है एक स्मॉल स्ट्रिप डी वाई, कितनी थिकनेस है इसकी डी वाई पे और कितनी दूरी पे है वाई पे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पे। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अगर हम फर्स्टली फाइंड करें इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिप का फाइंड कर लेंगे उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का फाइंड हो जाएगा, इसलिए अभी हम बात करते हैं सो ओनली स्ट्रिप की। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, हमारी क्या दी है विड्थ दी हुई है और हमें डीवाई भी पता है, यानी क्या होगा बी इंटू डीवाई, हमें एरिया मिल गया स्ट्रिप का। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप किसके अबाउट है, अबाउट एक्स एक्सिस के। ओके, एक्स एक्सिस के अबाउट है ये हमारा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया, ये एरिया हमारा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, ये क्योंकि हमारी दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी वाई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रिप की, अगर इसका हमें पूरे का चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट एक्स एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई एक्स एक्स को, जो आई एक्स एक्स मैंने कंसिडर किया वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन किया यानी कितना है? बी है, ये हमारा क्या है वाई स्क्वायर है और ये डी वाई है। हमें चाहिए क्या, पूरे का चाहिए जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, होल रेक्टेंगल का चाहिए, यहां मैं अगर लिख दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रेक्टेंगल, ओके अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपको पता है। तो हमारी दूरी कितनी है, ये h बाय टू है, ये h बाय टू है, लोअर और हायर। तो हमारी लोअर लिमिट कितनी है, h बाय टू है और ये प्लस का साइन के साथ h बाय टू है। यहां तक हमने कर दिया, इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा b है कॉन्स्टेंट टर्म तरीके से, ये y क्यूब होगा y के रिस्पेक्ट में अपॉन थ्री और ये हो गया h बाय टू पॉजिटिव साइन में और ये हो गया माइनस में एच बाय टू। इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ये हो जाएगा बी, थ्री है न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर कर दिया, ये हो जाएगा एच क्यूब अपान, ये थ्री के स्क्वायर में है, इसको मैंने टू अभी लिख देता हूं। ओके,
क्योंकि टू है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस एच टू का क्यूब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बी अपान थ्री, ये एच क्यूब है, क्यूब करेंगे एट आएगा, माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, कितना आ जाएगा प्लस का साइन, यानी कहने का मतलब ये माइनस है, ये माइनस है। एक बार और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस एच, एच ये हो जाएगा एट, एट हो जाएगा, और हमारा ये कितना है, क्यूब आ गया। ओके, अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन हो जाएगा, ये बी अपॉन थ्री आएगा, और ये हो जाएगा टू एच क्यूब अपॉन एट। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बी है, ये टू है, फोर हुआ और ये ट्वेल्व हुआ, यानी आई एक्स एक्स है जो अबाउट जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी वो निकलेगी बी एच क्यूब अपॉन ट्वेल्व। ये हो गया आई एक्स एक्स के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे आई एक्स एक्स की, जो हम रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे। अगर हम इसी तरह आई वाई वाई के लिए फाइंड करें, वाई वाई के लिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जो हमारी आई एक्स एक्स के लिए हम एक्स अबाउट फाइंड किए थे बी एच क्यूब अपॉन ट्वेल्व आया हुआ था, अगर हम आई वाई वाई के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा। अब देखो, ये जो हमारा है ये एच है, इस एच के लिए तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो बी हमारा आया था, अब हम इसके लिए बात करेंगे तो विड्थ इसका एच के लिए हो जाएगा, यानी कहने का मतलब एच बी क्यूब अपॉन ट्वेल्व आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यानी हमें आई एक्स एक्स की और आई वाई 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 की अबाउट पता हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी कितनी होगी इन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन में। अब हम बात करते हैं ए बी के लिए, जो मैं इसको ए और बी कंसिडर कर लेता हूं। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर अबाउट एक्सिस ए और बी के फाइंड करना चाहूं, तुम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर हमारी कोई भी बॉडी है, अगर हमें यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यूज किया यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, क्योंकि हमें चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी के। ओके, तो यहां हम फाइंड कर रहे हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल अबाउट एक्सिस ए बी के, ए बी के लिए बात कर रहे हैं हम, तो हम यूज करेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपको दोस्तों अब पता चल जाएगा कि कौन सी थ्योरम हमें कहां लगानी है, हमें चाहिए क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, तो हम यूज किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या होती है आई ए बी और आई जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटू प्लस का ए और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर एच स्क्वायर, ये थ्योरम आपको पता है। अगर आपने इसका वीडियो दोस्तों नहीं देखा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है तो जरूर देखें, ताकि आपको ये डिटेल से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं आई ए बी के लिए, क्योंकि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो किसके अबाउट चाहिए, ए बी के अबाउट चाहिए, तो मैंने बात किया ए बी के लिए। तो अगर हम ए बी के लिए बात करेंगे, ये हमारी जो आई जी जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी देखो मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूं अपना माइल, ताकि बार बार फिगर पकड़ना ना पड़े। अब ये आई जी जी चाहिए तो आई एक्स एक्स के लिए हमारा ये सेम थिंग, तो ये हमारा हो जाएगा आई एक्स और एक्स, अब एरिया कितना है बी है और एच है, और ये जो एच स्क्वायर है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहां से कितनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एच बाई टू है, इसलिए मैंने लिया एच बाई टू। एक एक चीज दोस्तों मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप उसको भूले नहीं, आपको ये चीज हमेशा याद रहे, एच बाई टू का होल स्क्वायर है। अब आई एक्स एक्स के लिए वैल्यू में ऑलरेडी पता है कितनी है, बी एच क्यूब अपॉन ट्वेल्व, अब ये कितना हो जाएगा बी एच स्क्वायर है, एच क्यूब है यानी बी एच क्यूब, और ये कितना है टू है तो स्क्वायर है यानी फोर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली कितना आ जाएगा, बी एच क्यूब अपॉन थ्री, ये आई ए बी की वैल्यू। एक चीज जिसो ये कभी कभी हमारे कंपटीशन में भी आता है, तो जनरली हम क्या करते हैं बी एच क्यूब अपॉन ट्वेल्व को याद रखते हैं
हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है कि किसके अबाउट पूछ रहा है, हमें तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा सेक्शन है वो कोई भी रेक्टेंगल है या सर्कुलर है, कैसा भी सेक्शन है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आखिर पूछ किसके अबाउट रहा है। एक्स एक्सिस है बी एच क्यूब 2/12, आई वाई है एच बी क्यूब 2/12, अब ए बी के है तो आई ए बी इक्वल टू बी एच क्यूब 3 होगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके इसी तरह दोस्तों जैसे हमने ए बी के लिए अगर हम इसको नाम दे दूं, इसको मैं डी दे दूं, इसको सी दे दूं, अगर हमें ए डी के अबाउट चाहिए तो क्या करेंगे, आई ए डी ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना एच बी क्यूब 3। ओके अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आई एक्स एक्स की और आई वाई वाई के लिए डिस्कस कर दिया है। अब यहां तक करने के बाद अगर हमें चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस के, यानी हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो हमारी जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये चीज फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर के लिए। हमने यूज किया क्या यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। अब देखो हमें ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, कितनी होती है बी एच क्यूब 2/12 प्लस एच बी क्यूब 2/12। यानी कहने का मतलब जो हमारा आई जेड जेड है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अबाउट, प्लेन ऑफ द जो हमारा रेक्टेंगल है वो बी एच 2/12 अगर हम कॉमन ले लें तो कितना जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों फाइनली फाइंड हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका। अब एक बार मैं फिर से सबको लिख देता हूं, जो हमारा आई एक्स एक्स है रेक्टेंगल के लिए कितना फाइंड हुआ था, देखो बी एच क्यूब 2/12 बी एच क्यूब 2/12, ये चीज आपको दोस्तों याद रखनी है। अगर वाई वाई की बात करें तो एच बी क्यूब 2/12, अगर आई ए बी के रिस्पेक्ट में बात करें एक्सिस के तो बी एच क्यूब 3, और आई ए डी के लिए बात करें तो एच बी क्यूब 3, और आई जेड जेड की बात करें तो बी एच 2/12 एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों ऐसे हम फाइंड करेंगे किसी भी रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके अलावा दोस्तों इसके पहले मैंने रेक्टेंगुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लें। फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर सेक्शन के बारे में, तो आइए देखते हैं। मैंने क्या किया, कंसीडर ए ट्रायंगुलर सेक्शन बी सी और डी, जिसका हमारा बेस बी है और हाइट क्या है एच है। एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर किया जिसको मैंने डी वाई इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग रख लिया, डी वाई विड्थ जो है हमारी क्या है डी वाई है, और जो बी सी से वाई डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस से, और हमारा ये के और एम मैंने कंसीडर किया है और जो इसकी लेंथ है वो एल है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्टली हम क्या करते हैं एरिया फाइंड करते हैं ऑफ द स्ट्रिप का। अगर एक चीज हम और देखें, अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं बी डी और सी को और के डी और एम को, क्या है ये सिमिलरली ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा बी और एल है, ये बी, ये हमारा जो बी है और ये एल है, इक्वल हो सकता है एच पूरी डिस्टेंस के और इस डिस्टेंस के। अगर इस डिस्टेंस को फाइंड करना है तो एच माइनस वाई, यानी एच माइनस वाई के किसके अकॉर्डिंग है ये मैं लिख देता हूं, सिमिलर ट्रायंगल के।
कौन कौन से हैं? डी बी सी और डी के और एम के अकॉर्डिंग। ओके, अब हमें यहां फाइंड करना एल को। हम यहां से एल को निकाल दिया मैंने। जब एल को निकालेंगे तो यहां क्या क्या लिख सकते हैं, बी और ये हो जाएगा एच माइनस वाई अपॉन एच। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगी। है एरिया ऑफ स्ट्रिप कि स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, क्या होगा एल, ये डिस्टेंस एल है, इंटू डी वाई इंटू डी वाई। अब एल की वैल्यू हमें पता हो गई है यहां से, एल ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना बी एच माइनस वाई अपॉन एच और ये हो गया डी वाई। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किसका, स्ट्रिप का। तो लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीपल करेंगे। तो एरिया ऑलरेडी हमें फाइंड है इसका, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एच इंटू डी वाई और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बेस से कितनी है, वाई है, इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हो गया वाई स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिखेंगे, बी एच और ये हो गया एच माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये तो हमने बात किया स्ट्रिप की। सपोज दैट जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो हमें होल ट्रायंगल का चाहिए। इसके लिए क्या किया मैंने, इंटीग्रेट किया और जो जी लिमिट यूज किया वो जीरो टू एच यूज किया। क्या करेंगे हम, हमें चाहिए क्या, होल होल ट्रायंगल का चाहिए। ओके, होल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट, बेस के, इसलिए मैंने बीसी को डिनोट कर दिया। लिमिट क्या है, जीरो टू एच है, ये हो गया बी एच और एच माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर ये डी वाई। बी और एच यहां कांस्टेंट में है, बी एच मैंने बाहर कर लिया, जीरो टू एच को लिमिट यूज किया। अब एच है ये तो हो जाएगा एच वाई स्क्वायर और माइनस हो गया वाई क्यूब, इसको मैंने डी वाई कंसिडर कर लिया। अब देखो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, बी एच एच वाई है, ये वाई क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा और ये कितना हो गया माइनस वाई की पावर फोर अपॉन फोर, एच जीरो। सॉल्व करेंगे इसको हम, ये कितना निकल गया बी अपॉन एच, एच ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन थ्री माइनस एच की पावर फोर अपॉन फोर, ये जीरो है तो माइनस का जीरो हो जाएगा पूरा, ये हो गया बी और ये एच, एच की पावर फोर थ्री माइनस एच की पावर फोर, ये हो जाएगा एच की पावर फोर अपॉन ट्वेल्व, एच की पावर फोर अपॉन ट्वेल्व। एक एच ये है, एक एच ये है, एक कैंसिल हो जाएगा, थ्री बच जाएगा, यानी कहने का मतलब जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, बी एच क्यूब अपॉन ट्वेल्व आई बी सी। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द बेस बी सी वो कितना होगा, बी एच क्यूब अपॉन ट्वेल्व। देखो दोस्तों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड किया है वो किसके अबाउट फाइंड किया है, बी सी के, लेकिन जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड जा कहां से रही है, जी से, इस पॉइंट से। ओके, तो हम यूज क्या करेंगे, पैरल एक्सिस थ्योरम का आइए यूज करते हैं। बात करते हैं पैरल एक्सिस थ्योरम के बारे में। अगर हम पैरल एक्सिस थ्योरम को यूज करते हैं तो क्या होता है, एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, जो हमारा सेंट्रॉयड होता है, जो सेंट्रॉयड होता है ट्रायंगल का लाइस करता है वो कितनी दूरी पे लाइस करता है, एच अपॉन थ्री की दूरी पे। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इसके पहले भी मैंने न्यूमेरिकल में कई बार बताया है, ये कितनी दूरी पे होता है, फ्रॉम द बेस एच अपॉन थ्री की दूरी पे होता है। क्यों हम इसको जानने, आइए देखते हैं। अगर हम यूज करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जब हम यूज करेंगे दोस्तों इसमें तो क्या होगा, देखो क्योंकि हमारा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, आई बी सी इक्वल आई जी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
प्लस एरिया और एच जो है हमारा कितना है, एच अपान थ्री की दूरी पर लाइज करता है जो हमारा सेंट्रोइड होता है, इसलिए एच अपान थ्री मैंने रख दिया। अब देखो ध्यान से, आई बी सी हमें पता क्या है, बेस पता है, आई जी डी तो हमें फाइंड करना है। ये मैंने इसको इस साइड कर लिया, इसको ट्रांसफर कर दिया और ये हो जाएगा माइनस ए एच की अपान थ्री का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आई बी सी की वैल्यू हमें पता है कितनी आई थी, बी एच क्यूब अपान ट्वेल्व, माइनस एरिया हमारा कितना होता है इसका, बी एच अपान टू और ये क्यों एच स्क्वायर अपान नाइन। ओके, अब देखो बी एच क्यूब हो गया नाइन इंटू टू एटीन हो गया, ये ट्वेल्व है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, बी एच क्यूब अपान थर्टी सिक्स आई जी जी। कहने का मतलब जो हमारी आई जी जी होगी, यानी कहने का मतलब जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा सेंट्रोइड का, वो कितना होगा, बी एच क्यूब अपान थर्टी सिक्स होगा। ये छोटी छोटी दोस्तों आपको बातें याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा पूंछ किसके अबाउट रहा है। जब हमने बेस के अबाउट निकाला था आई बी सी, वहां हमारा कितना आया था, बी एच क्यूब अपॉन ट्वेल्व आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब हम सेंट्रोइड के थ्रू निकालेंगे वह कितना आएगा, बी एच क्यूब अपॉन थर्टी सिक्स आएगा। तो ये दोस्तों इसका होता है डेरिवेशन ट्रायंगुलर सेक्शन का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।